दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एसएससी के द्वारा जो भी मैट्रिक और 12 और ग्रेजुएट लेवल पे ग्रेजुएशन पे जो भी पोस्ट निकाला गया, जो भी रिक्वायरमेंट निकाला गया है, जो भी बहाली का, तो उनके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है और उनके लिए क्या चार्ज लगेगा, कब तक डेट है, क्या प्रक्रिया है, हम आपको बताएंगे और क्या सिलेक्शन प्रक्रिया है वो हम बताएंगे पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेज को जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, सबसे डेट की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट 21 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और जो कि 20 मार्च तक इसका रजिस्ट्रेशन का डेट है और पेमेंट 23 मार्च 2020 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अगर फी की बात कर लेते हैं, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए ₹100 और SC ST PH और वीमेन कैंडिडेट के लिए ₹0, ये आपको फी। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी है यानी कि क्या क्वालिफिकेशन, यहाँ पे मैट्रिक के लिए भी पोस्ट निकाला गया है, इंटर के लिए भी और BA के लिए भी। और यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं, यहाँ कह रहा है 20 मार्च को कम से कम 18 वर्ष उम्र होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी डिटेल दिया गया है, वैकेंसी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रीजन के हिसाब से दिया, किस रीजन में कितना पोस्ट है, ठीक है। मान लीजिए सेंटर है CR MP दिल्ली, ठीक है, ये सभी रीजन है किस रीजन से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे किस रीजन में कितना टोटल पोस्ट है वो दिया गया है। और यहाँ पे मैं ये इन सभी पोस्ट का, यहाँ पे मैं इनका एक PDF आपको दे दूंगा, ठीक है। जैसे मैं, जैसे ये CR है तो CR में 150 पोस्ट है, तो 150 पोस्ट में क्या क्वाल, 150 पोस्ट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए, पोस्ट नंबर, पोस्ट नेम, डिपार्टमेंट, एज क्या है, सैलरी किस लेवल से मिलेगा और क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे किस कोटी में कितना सीट है वो भी दिया गया और टोटल कितना सीट है वो भी दिया गया, ठीक है। तो ये इसका पूरा PDF हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो सभी का आप PDF देख सकते हैं। ये CR मतलब सेंटर का है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट का नाम, डिपार्टमेंट और क्या एज है, क्या पेमेंट लेवल है, क्या क्वालिफिकेशन और किस कोटी में, मतलब जाति में, SC ST OBC में, UR में, किस में कितना सीट है और टोटल कितना सीट, ये आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक। ऊपर में लिखा भी गया कौन कौन सा सीट किसके लिए, ठीक है। और इसी तरह मैं सभी का नो रीजन का सभी का हम PDF आपको दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप पता कर सकें किस रीजन में कौन सा पोस्ट के लिए, कौन सा डिपार्टमेंट और आपका क्वालिफिकेशन कौन सा अच्छा रहेगा और किस कैटेगरी में क्या सीट है वो आप यहाँ से जान पाएंगे। तो चलिए, ये तो आप समझ गए। और अगर आप ऑनलाइन करना, अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको SSC की वेबसाइट पर आना होगा, SSC.NIC.IN की वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर नो, यहाँ पे देखिए न्यू यूजर रजिस्टर नो, ठीक है। रजिस्टर नो पे क्लिक करके रजिस्टर करना है। याद रखिए कि रजिस्टर तभी आप करेंगे अगर आप कभी भी इस पोर्टल पे, इस वेबसाइट पे रजिस्टर न किए हों। अगर किसी दूसरे पोस्ट के लिए ये रजिस्टर किए होंगे तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अगर आप पहले कभी किए होंगे तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ डिटेल मांगा जाएगा, उस वो डिटेल दे के आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर जिन्हें कहते हैं, तो वो यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, ठीक है। अगर आप पहले रजिस्टर किया था इस पे यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका परमानेंट एड्रेस, स्टेट क्या है, कौन से राज्य से आप हैं, तो अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, कोई एक चीज़ आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो मोबाइल नंबर देने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे और जो कि रजिस्टर ईमेल आईडी था उस पर OTP गया, दोनों पे OTP गया है, किसी एक OTP को आपको यहाँ पर फिलअप करना हो,
तो हमारे पास अभी ईमेल का ओटीपी आ चुका है। ईमेल मोबाइल में दोनों ओटीपी सेम आता है, कोई भी एक ओटीपी आप देंगे। अगर आप ईमेल का ओटीपी दे रहे हैं ईमेल ओटीपी वाले बॉक्स में देंगे, अगर मोबाइल का ओटीपी दे रहे हैं तो मोबाइल ओटीपी वाले बॉक्स में देंगे। उसके बाद ये कैप्चर जो मिला है इस कैप्चर को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नाम और आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड रखना है, जो भी रखना चाहे तो वो पासवर्ड रखेंगे और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कन्फर्म करना होगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे आपको दोनों में सेम पासवर्ड देना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना, मनपसंद पासवर्ड आप यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू बोल रहा है, तो यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये रिडायरेक्ट करके आपको होम पेज पे लेके आया गया और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ पे मिला था फॉरगॉट पासवर्ड करने पे वो देंगे और जो न्यू पासवर्ड रखे थे वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके जो कैप्चर आपको देखने को मिला इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे तो लॉगिन जैसे करेंगे तो यहाँ पे वेलकम में आपका नाम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको 2019 वाला नहीं करना क्योंकि ये इसका डेट खत्म हो गया। और यहाँ पे जो 2020 का दिखा रहा है ये वाले इसी वाले को आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आपने तो पोस्ट डिटेल भी देख लिया, नोटिफिकेशन भी देख लिया, सर्च आप देख लिया। आप देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई, तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपका कुछ डिटेल रहेगा जो कि रजिस्ट्रेशन करने दिया था, अपना नाम और फादर्स नेम मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ और अपना कैटेगरी वगैरह इस तरह से आपको, तो जितनी जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया तो वो सारा जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर में पूछ रहा है आप किस रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए नौ जो भी जिस रीजन से करना चाहते तो उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है पोस्ट कोड, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जो मैंने आपको पीडीएफ का लिंक दिया है रीजन करके। तो यहाँ पे देखिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेंगे, तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये पोस्ट का देखिए कोड क्या है, ठीक है। ये कोड मान लीजिए हम तो यहाँ जो जो कोड है हमारे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके सामने जो कोड है वो कोड को आपको सिलेक्ट, यहाँ पे जो कोड मांग रहा है तो वही कोड आपको सिलेक्ट करना है। जिस जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने पोस्ट नंबर है तो वही पोस्ट नंबर को आपको यहाँ पे पोस्ट कोड में सेलेक्ट करना होगा। पोस्ट कोड पे सेलेक्ट करने का पोस्ट नेम आ जाएगा और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है उस इस पोस्ट के लिए वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। यहाँ मैं आपको चेंज भी करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं चेंज किया तो इसका भी क्वालिफिकेशन यही मांग रहा है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एग्जामिनेशन सेंटर, 3 एग्जामिनेशन अपने मनपसंद सेलेक्ट कीजिए, कहाँ कहाँ आप देना चाहते हैं वो आपको इस टाइप का सेलेक्ट कर लेना होगा जहाँ भी आप करना चाहते हैं। तो और इसी तरह तीन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें अपने हिसाब से यस नो, इसमें नो मारेंगे, इसमें भी ये सब, इसमें बहुत सारे ऑप्शन जो क्लिक नहीं होंगे तो उसको छोड़ देना है, जो क्लिक होंगे उसी को आपको फिलअप करना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन आपको जो भी इस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन वही एक ही शो करेगा यहाँ पे और वो उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में वही शो करेगा, उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको देना है, डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो दे सकते हैं, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एन ए इंटर करना है सभी में, एन ए। इसमें कम से कम एक एक्सपीरियंस देना है, अगर आपके पास एक भी एक्सपीरियंस नहीं है तो सभी में एन ए कर देंगे, नो मतलब नॉट अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या आप ई डब्ल्यू एस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यस या नो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका पूरा एड्रेस मिलेगा, उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आई एग्री करेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चर इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली से प्रीव्यू कर लेना। प्रीव्यू करके आपको देखना है आपका फॉर्म जो भरा है उसमें कुछ गलत तो नहीं है, प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद सबमिट होगा। अगर आप प्रीव्यू करते हैं प्रीव्यू के लिए आगे नहीं जाता है तो वर्क एक्सपीरियंस में आपको सभी बॉक्स में एन ए करना है मतलब नॉट अवेलेबल। उसके बाद नीचे आना, उसके बाद फिर से प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप प्रीव्यू लोड ले चुका है, या जो कॉलम आप नहीं भरे होंगे खाली छोड़ देंगे उसकी वजह से ये नहीं आ गया जाएगा, तो उसको चेक कर लेंगे। फिर आपको प्रीव्यू करेगा आपका डिटेल, अपना डिटेल को चेक कर लें।
अगर आपकी इस डिटेल में किसी तरह की गलती है, मिसिंग है, कुछ गलत है, तो आप यहाँ पे एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर सारा चीज़ आपका सही है तो यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ भी पूछ रहा है कि आप श्योर है सबमिट करने के लिए, कि आप सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखने को मिलेगा, योर एप्लीकेशन इज ओरिजिनल एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जिसका अप्लाई किया एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्ट, इस एप्लीकेशन का ये कैंडिडेट का जिसका मैंने अभी अप्लाई किया है उसके में एप्लीकेशन फी नहीं था, जीरो था, इसलिए पेमेंट नहीं मांगा। अगर आप कर रहे होंगे, अगर आप में पेमेंट मांगता तो आपको पेमेंट करना अनिवार्य है। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपये पेमेंट करना होगा। अगर आप उसके अलग दूसरी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1 रुपये पेमेंट नहीं करना होगा। यहाँ मैंने जिसका अप्लाई किया उसके कैटेगरी में पेमेंट नहीं लग रहा था, इसलिए तो यहाँ पे पेमेंट नहीं मांगा। आपको पेमेंट मांग सकता है, तो यहाँ प्रिंट भी करके आप प्रिंट कर सकते। तो ये रसीद हो गया, इस रसीद को आप निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। ये 2 पेज का रसीद आप इसे निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके कर दिया, अगर आप चाहते हैं फिर कभी बाद में इसका रसीद निकालने के लिए तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आप फिर से प्रिंट कर सकते हैं रसीद को। ठीक है, मेरा अप्लाई हो चुका, मैं अभी लॉग आउट इसे करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद अगर आप चाहते हैं एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जानने के लिए, तो यहाँ पे देखिए 21 फरवरी 2020 की डेट में एक नोटिफिकेशन ये वाला, ठीक है, प्रेस एट 2020 सिलेक्शन पोस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ये नोटिफिकेशन है जो कि एसएससी के द्वारा जारी किया गया था, जो कि टोटल 105 पेज का है। तो आपको 55 पेज नंबर पे जाना है, यहाँ पे पेज नंबर 55 पर, पेज नंबर 55। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ गए हैं 54 पेज नंबर पे, तो यहाँ पे पोस्ट के बारे में भी डिटेल दिया गया, पोस्ट नंबर, पोस्ट नेम, डिपार्टमेंट, एज, पे और क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे दिया गया किस कैटेगरी में क्या क्या सीट है और टोटल कितना सीट वो दिया गया यहाँ कैटेगरी वाइज और रीजन वाइज। आपको मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, उस लिंक से आप जान सकते हैं। ये एसएससी के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है। तो ये एसएससी के द्वारा 105 पेज का नोटिफिकेशन पूरा जारी किया गया है। और सिलेक्शन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो इसमें एग्जाम होगा, एग्जाम से जो पास करेंगे, ठीक है, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये 105 पेज का नोटिफिकेशन है जिसमें मैं आपको रीजन वाइज रीजन ये आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक।